पैर बांध के पाइप से मेरे पैरों पे बजाया बहुत देर तक। उसके बाद टोटल 3 जने हो गए, रस्सी बांध कर पैरों में, डंडा निकाल के उल्टा लटका के, एक ने इधर से डंडा पकड़ा, एक ने इधर से, और एक ने मेरे पाइप बजाया पीछे। जब ये हादसा हुआ था तो उससे एक दिन पहले ही वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। पैर बांधने के बाद उल्टा लटका के फिर पाइप से मारा, पैसे मांगने लगे तो चाचा जो है उन्हें 200 रुपये दे दिया, बहुत बुरा बुरा बोला, गाली वाली बकी। उन्होंने कॉल उठा कर देखते क्योंकि उसमें ना RW प्रधान जी जी, तो उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। लेके उसने आपका जो मोबाइल मैं दिखाना चाहूँगा, ये आईफोन है, और ये आईफोन जो है बता रहा है बच्चा कि ये उसके बाइक का जो कैरियल होता है पीछे उस पर मारा। मैं जैसे दरवाजे में घुसा मेरा बच्चा तो ये लड़ खड़ा रहा था, वो लड़ खड़ा ना, फिर ये गिर गया। चुकर रीडर ने ये बात कही कि हमें फांसी पे चढ़ा दे, हमें फांसी पे चढ़ा दे। मनीष ने भी कबूल लिया बात कि हाँ पैर मैंने खोल ली, तो इसका मतलब भाई पे चाटे मारे, उसके बाद थाने में लेके गए, संदूक पर बिठा दिए, ऊपर कमरे कि पैर इसके जो बंधे हुए थे वो मैंने खोले। उसका नाम मनीष है जिसने ये बात किया था। ठीक, खुशामदीद दोस्तों, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के शिव विहार में मौजूद है जो करावल नगर थाने में आता है। यहाँ एक हादसा होता है, एक 14 साल का बच्चा जो अपने घर से अपने पिताजी की अपने वालिद की दवाई लेने जा रहा था, उसको कुछ पुलिस वाले रोकते हैं। जब वो रुक जाता है तो उसको थाने में ऊपर कमरे में ले जाकर बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई करते हैं। बच्चे की उम्र 14 साल है, उसका नाम उमर है। इनके पिताजी का नाम जमील अहमद है, जिनके लगभग 3 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, और उनके पिताजी का कहना यही है कि हमारा बच्चा दवाई लेने जा रहा था जिसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। क्या पूरा मामला हुआ है, वो लड़का 14 साल का मेरे साथ फ्रेम में मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं, उससे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरी घटना हुई थी और क्यों आखिर पुलिस वालों ने उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि उसकी दोनों पैरों पर पट्टियां बनी हुई हैं। और जो लोग यहां मौजूद हैं वो यही बता रहे हैं कि उसको कोनियों से पीटा गया है और पीटने की हद ये हुई है कि वो बेहोश हो गया था। उमर, आप कहां जा रहे थे? जी, मैं पापा की दवाई लेने जा रहा था। अच्छा, तो आपको पुलिस वालों ने रोका और क्यों रोका? जी, उन्होंने मुझे रोका जी, उन्होंने गाली बक के बोला कि साइड में लगा लो गाड़ी। अच्छा, तो मैं थोड़ा घबरा गया, मैंने गाड़ी थोड़ी आगे ले ली जी, उसके बाद वो पीछे से आए, गाड़ी आगे लगा ली जी, उन्होंने फिर आने के बाद उतारा नीचे जी। मैं तुरंत पापा पे फ़ोन मिला दिया अपने फ़ोन से, तो फ़ोन नहीं उठाया, पापा के इंजेक्शन लग रहे थे, पापा के पथरी का दर्द था जी, तो उन्होंने मेरे वहीं पे चाटे मारे, उसके बाद थाने में लेके गए, संदूक पर बिठा दिए, एक ऊपर कमरे में जी, उसके बाद उन्होंने मेरे चाटे मारे, उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया नाम मोहम्मद उमर, उन्होंने मुल्ला उल्ला करा, बहुत बुरा बुरा बोला, गाली वाली बकी। उसके बाद मतलब आपको मुल्ला कहा कि आप मुल्ला हैं जी, पैर बांधने के बाद उल्टा लटका के फिर पाइप से मारा। अच्छा, एक मिनट, मैं शमीम चाहूँगा कि ये जो पैर है एक बार आप इसको लें, मतलब कंडीशन आप देखिए कि 14 साल का बच्चा है, चेहरे से बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है कि इसकी उम्र जो है वो 14 ही साल है, और इसके पैरों पे जो ये पट्टियाँ बंधी हुई हैं ये बर्बरता है पुलिस की, पुलिस रक्षक होती है तो कैसे एक बाइक के इतने छोटे से मामले में इतनी बुरी तरीके से एक छोटे से बच्चे को पीटा जा सकता है। तो उम्र आगे बताइए फिर क्या किया उन्होंने? उसके बाद जी मारा, फिर पापा तो घर पे थे, फिर मेरे चाचा आए लेने मुझे, तो बाहर गली में बाइक पर बैठे हुए अंकल, मतलब पहले जीने से मुझे ला लेते ऊपर से, उन्होंने कोनिया बजाई मेरे जी, उसके बाद नीचे लाकर गली में वो पैसे मांगने लगे। अच्छा। तो चाचा जो है उन्हें 200 रुपये दे रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने 200 रुपये वापसी दे के, और मैं पापा को फ़ोन मिला रहा था, फ़ोन नहीं उठाया किसी ने क्योंकि पापा पत्थरी का दर्द था, तो उन्होंने फ़ोन छीन के हाथ में, बाइक के पीछे कैरियल होता है उसमें मारा, पूरा फ़ोन तोड़ दिया। वो फ़ोन कहाँ पर है आपका? फ़ोन जी, फ़ोन ही रहा। अच्छा, ठीक है, चलो बताओ। उसके बाद गाली गुफ्तार करी, उसके बाद हमें भेज दिया। अच्छा, उसके बाद भेज दिया तुम्हें 200 रुपये लेके। उसने आपका जो ये मोबाइल मैं दिखाना चाहूँगा, ये आईफोन है, और ये आईफोन जो है बता रहा है बच्चा कि ये उसके बाइक का जो कैरियल होता है पीछे उस पर मारा, और कहा गया कि 200 रुपये इसको ठीक करा लेना। अब आईफोन की अपने आप में कीमत जो होती है वो बहुत होती है, लेकिन क्या ये 200 रुपये में ठीक हो सकता है? और चलो एक बात, आप थाने के अंदर एक 14 साल के नाबालिग बच्चे को सिर्फ इस बिना पे पीट रहे हैं कि आपको ये शक है कि जो इसके मोटरसाइकिल में खाली बोतलें हैं उसमें ये पेट्रोल लेके जा रहा है, या इस तरह की चीज़ों के लिए आप क्यों इतनी बर्बरता दिखा रहे हैं? और फिर आपको जब पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्या सरकार जो आपको तनख्वाह दे रही है उससे आपका गुजारा नहीं हो रहा? बच्चा छोड़ने के लिए आप पैसों की डिमांड कर रहे हैं, और जब आपको वो अपने हिसाब से पैसे दे रहा है तो उसके मोबाइल की आप हालत कर देते हैं कि उसको चकनाचूर कर देते हैं, आईफोन है। चलिए उमर बताइए और जी, तो आपके फिर आपके जब घर जो आपके, मैं आपके पिताजी से बात करने की कोशिश करूंगा, जब आपके बच्चे की आपको पता चली कि ये हालत हो गई, तो आप तो मतलब बीमार है, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं आपके किडनी के, स्टेंट डले हुए हैं आपके, तो किसको आपने अपने बच्चे को लेने के लिए भेजा था? जी, मेरा पड़ोसी है, साइकिल की दुकान है, मेरी दुकान के सामने है जी।
तो मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। ये मेरा ऑपरेशन दिखाओ शमीम भाई, इनका ऑपरेशन जो हुआ है से एक दिन पहले मेरा जी। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं इनका जो ये पहले जब ये हादसा हुआ था तो उससे एक दिन पहले ये वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। तीन इनके ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसका बाप बीमार हो, इनका नाम जमील अहमद है, ये बीमार है, इनका बच्चा इन्हीं की दवाई लेने गया हुआ था क्योंकि एक दिन पहले ही डिस्चार्ज हुए। और मैं यहाँ जानने की कोशिश करूँगा किस दिन का ये हादसा है। ये 16 तारीख का जी, 16 तारीख का हादसा है जी। बताइए जब आप लेने गए थे फिर क्या पूरा मामला हुआ? ये मेरा दोस्त लेने गया था जी। अब वो बोला कि भाई मेरा एक मिलने वाला था पुलिस वाला, मैंने उसे फ़ोन करा, उसने भी बोला कि भाई इसे लड़के को छोड़ दे जी। तो उसने उस टाइम तो कह दिया कि छोड़ देंगे जी। फिर उसके बाद क्या करा, उसने कहला अब तो चाहे उसका बाप भी आ जाओ, जब भी नहीं छोड़ूँ मैं। अच्छा हाँ, तो उसने 5,000 रुपये मांगे उससे। अच्छा, जो मेरा दोस्त जिसे मैंने भेजा था वो कह लगा इतने तो नहीं दूंगा। मैं कहला भाई से 200 रुपये दे दे और आके ले जाए, ला के आ जाए। हमें उनको पता नहीं था कि भाई ये इसका पिटाई भी कर रखी इसकी जी जी। तो जब उसने पैसे नहीं दिए, 200 रुपये दे रहा था, तो उसने क्या काम करा, इसका मोबाइल लेके और गाड़ी के कैरियल में मारा जी। स्प्लेंडर के पीछे लोहे का होता है, उसमें इसका आईफोन था जी। वो तोड़ दिया जी। उसके बाद ये घर पर आ गए जी। घर पर आने के बाद में जैसे दरवाजे में घुसा मेरा बच्चा जी। तो ये लड़ खड़ा रहा था, वो लड़ खड़ा फिर ये गिर गया यहाँ पर। तो इसकी अम्मी जो है उसने भक्के से उठाया, कह लगी, फिर ये दोनों रोल लगे। फिर इसने सारी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 5 बच्चे हैं जी, बड़ा बेटा यही है। बेटे आपके कितने हैं? 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा यही है आप? सबसे बड़ा बेटा यही है जी। अच्छा, आपने ये जो पूरा मामला हुआ जब थाने से लेके गए, तो आपने अपने बच्चे की हालत देख के FIR नहीं कराई? मैंने 100 नंबर की कॉल की। 100 नंबर कॉल करने के बाद में वहाँ से गाड़ी आई, मुझे बिठा कर ले गई जग प्रवेश हॉस्पिटल। वहाँ पर मैंने इसकी LMC करवाई। LMC करवाने के बाद में MLC करवाने के बाद में फिर वहाँ से मैं इसे घर लेकर आया। पुलिस वाले हमें वहाँ से छोड़ कर आ गए थे, फिर हम घर आए। आने के बाद में फिर हम थाने में गए रात को 12 बजे। अच्छा, क्योंकि उसने मुकेश चंद IO जो था उसका फ़ोन आ रहा था जी। तो कोई हमारी खास बातचीत नहीं करी उसने, उस मुकेश चंद ने हमसे। फिर हम वापस आ गए। आने के बाद में फिर हम सुबह SHO से मिले, SHO साहब से। SHO साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं इनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। उन्हें भी डांटा पुलिस वालों को, वो पहले तो झूठ बोलते रहे, लेकिन जब SHO साहब ने अच्छी तरीके से डांटा उन्हें तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्या नाम है SHO साहब का? विपिन यादव है जी। जी, करावल नगर थाना। उन्होंने हमसे अच्छी तरीके से बात की, जो बात है उन्होंने कहा कि निश्चित रहो पूरी कार्रवाई होगी, आप एप्लीकेशन लिख के दे दो जी, मैं इसमें ढील नहीं बरतूँगा जरा सी भी। उन्होंने अच्छी बात की हमसे। उसके बाद जी जो SHO का रीडर था मनीष, हम जैसा कंप्लेंट लिखने लगे तो वो कहने लगा, अरे कंप्लेंट मत लिखो यार, हमारी कुसामंद करने लगे वो सारे के सारे पुलिस वाले। मैंने कहा नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे जी। तो वो SHO का रीडर कहने लगा, एक काम कर, लिख तू कंप्लेंट और जो तू हमें फांसी पर चढ़ा दे। अच्छा, जा इस तरीके से। मनीष नाम है उसका, SHO का रीडर है। अच्छा, SHO का रीडर ने ये बात कही कि हमें फांसी पर चढ़ा दे। जी, हमें फांसी पर चढ़ा दे जी। अच्छा उमर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको संदूक पर बिठाया गया, आपकी पिटाई की गई, लगभग कितने लोग वहाँ मौजूद थे? पुलिस की वर्दी में कितने लोग मौजूद थे और वहाँ कितने लोग थे जो जिन्होंने आपकी पिटाई की? पहले एक आया, उसने मेरे चाटे मारे, फिर एक और आ गया पीछे से, उसने मेरे पैर बांध के पाइप से मेरे पैरों पर बजाया बहुत देर तक। उसके बाद टोटल 3 जने हो गए, रस्सी बांधकर पैरों में डंडा निकाल के उल्टा लटका के, एक ने इधर से डंडा पकड़ा, एक ने इधर से, और एक ने मेरे पाइप बजाए पीछे से। पाइप से मारा है आपको? हाँ, प्लास्टिक का पाइप था। प्लास्टिक के पाइप से आपकी पिटाई की गई है? तो आप बेहोश हो गए थे, इतनी पिटाई हुई है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे जानकारी लूँ। सर, क्या नाम है आपका? मैं कासिम अली, RW से प्रधान हूँ इस कॉलोनी सा जी, कॉलोनी का। जैसे इस बच्चे के साथ में खबर हुई है, हादसा हुआ, इन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया जी। मैं ये कह लगा, मैं कहा भाई ऐसा करो, 100 नंबर कॉल करो जी। 100 नंबर कॉल करने के बाद में पहले इसकी MLC कराओ, उसके बाद में हम बात करेंगे जी। हमने कॉल कराया का, हमने इसकी MLC कराया का, हम रात के तकरीबन 12 बजे वहाँ पहुँचे जी। शाम के टाइम जब ये हादसा, जब भी पहुँच गया वहाँ जी, उन पुलिस वालों का हमने, मैंने खुद मिला उनका नंबर जी, मैंने उनका खुद मिला नंबर। उन्होंने कॉल उठाया का देखते ही, क्योंकि उसमें आ ना RW प्रधान जी जी, तो उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। अच्छा, फिर मैंने जो रीडर है SHO का जो है मनीष यादव, मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ है मामला जो है, क्या नाम लगा, क्या लगा, कैसे हो गया? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ, क्या लगा, मैं अभी बात करता हूँ। जबकि मौजूद वो भी कहिए था वहाँ पे, उसने SHO के सामने खुद कबूल लिया कि हाँ पैर मैंने खोल लिए। अच्छा, रीडर ने, SHO के रीडर ने कबूल लिया वहाँ कि पैर मैंने खोल,
ने एसएचओ के सामने ये बात उसने कबूली है कि पैर इसके जो बंधे हुए थे वो मैंने खोले, उसका नाम मनीष है जिसने बात, मनीष यादव ठीक है वो एसएचओ का रीडर है जी। तो हम क्या लगे, मैंने कहा भाई ये तो बात तुम रात छपो दी थी हमारे सामने, जब ये बात थी तो क्लियर करता तू, तो हमें इसका मतलब जो बरगला रहा था कि मैं बात करता हूँ। तो उस रीडर ने जो बात करी उनसे फ़ोन मिला तो उन्होंने फोन था कि हाँ भाई तो किसी बच्चे को लिया था, कह रहा हाँ लिया था, क्या हो गया क्यों मारा तुमने उसे, कह ला इतनी बात करके उसने स्विच ऑफ कर लिया। अच्छा, जिसका नाम जो है क्या नाम लेकर, क्या नाम है उसने, अनुज। अच्छा, अनुज जो था, अनुज ने पिटाई, हाँ अनुज ने पिटाई करी, अनुज अंकित और एक वो क्या नाम लेकर अमित गोस्वामी ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने जो है स्विच ऑफ कर लिया, मैंने भी जो है यहाँ क्या नाम लेकर मैं भी एक दो चक्कर लगाए, मैंने कहा मिल जाए तो बातचीत करें, तो उनसे क्या वे फोन स्विच ऑफ करके फिर गया मैं वहीं थाने में, मैंने कहा कहाँ है मैं, तो कह लगे भाई वे तो घर जा लिए, अरे घर जा लिए ड्यूटी नहीं है मैं कहा उनकी, भाई थाने में उनकी ड्यूटी भी तो है, वो ड्यूटी कौन दे रहा है यहाँ पे, मैंने कहा उनको रीडर से, मैंने कहा ड्यूटी है उनकी, घर कैसे चले गए, इसका मतलब जो है क्या नाम लेकर मैं मुलजिम है दोषी हैं तो फिर दो, कह लगा जी वो तो जो है क्या नाम लेकर आने के बाद ही पता चलेगा। उस एसएचओ के रीडर जो है मनीष यादव जो है उसने जब सुबह जो है एसएचओ साहब ने जब बुलाए, बुलाने के बाद में जब बात खुली, हमें तो एक का ही पता था कि भाई एक का है वहाँ, जो आपस में उन्होंने तीनों ने बात कर, दोनों ने जो है कबूला, कह लगा जी वो भी था वो भी था, फिर मनीष का भी, मनीष ने भी कबूल लिए बात कि हाँ पैर मैंने खोल ली, तो इसका मतलब जो है क्या नाम लेकर फिर पूरा पता है ना सबको कितनी और लारा क्या। अब उसके बाद में जो है क्या नाम लेकर मैंने जो है इनकी डी सी पी साहब के पास पहुँचे ना लेकर मैं, अच्छा एप्लीकेशन डीसीपी साहब के यहाँ भी सिफारिश आ गई कि कंप्रोमाइज करा दो। अच्छा, खुद डीसीपी साहब ने बोला ना, मैं भी साथ में था कि भाई कंप्रोमाइज करा दूँ, बुलाऊँ ना थाने में से, हम कह लें जी कंप्रोमाइज कुछ नहीं, हम तो जो है क्या नाम लिख रहे एफआईआर या जो है क्या नाम लिख रहे रिसीव जी। हम कह लेंगे मैं कभी रिसीव दे दो हमारी, हम रिसीव लेकर आगे लेने के बाद में मैंने अभी अभी एक घंटा पहले फ़ोन करा मैंने विपिन यादव एसएचओ से, मैंने कहा जनाब क्या हो गया, मैंने कहा उस बच्चे का जो है मेडिकल भी हो गया सब काम हो लिए, तो मैंने कहा इसकी एफआईआर करो। तो विपिन यादव साहब ने एसएचओ जो थाना करावल नगर है उसने मुझे अभी ये जवाब दिया कि जी हम एफआईआर नहीं करेंगे। मैंने कहा जी क्यों, मेडिकल हो रहा का जो है कि एफआईआर क्यों नहीं कर दे, कह लगा जी वो मैंने जो है महकमे में भेज दी, पीजीसीएल वाले आएंगे वे इंक्वायरी करेंगे और जब जो है क्या नाम लेकर ये एफआईआर होगी। मैंने कहा जी ये तो एक महीने में आएंगे, पीजी सेल का तो टाइम है एक महीने का डेढ़ महीने का जी। और महकमा एक तो इसका मतलब जो है बचाव में आगे, बचाव में आगे कहीं ना कहीं पूरा थाना और पुलिस प्रशासन जो है इसको इस चक्कर में है कैसे इस मामले को कंप्रोमाइज करके दबाया जाए। रात में ये तो मैं कहूँगा नहीं भाई कौन थे, रात मेरे पास कम से कम 10 पुलिस वाले थे जो मेरे पास आए सिफारिश लेके, किसी भी तरह नहीं मटवा दे। मैं उन्हें ये कहता रहा बार बार, देख भाई दबाने का ये कोई मामला नहीं, ना इसमें कंप्रोमाइज, ये सजा मिलनी चाहिए जी। मैंने साफ बिल्कुल साफ लफ्ज मरात भी यही कहा, सुबह इसके पास भी आ गया जी। अब वे जो है इधर उधर जो है इस थाने से जो है ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, जो यहाँ से सिपाही है सच्चो, क्योंकि हमारा तो नंबर सबके पास रहे, हम यहाँ से प्रधान हैं। अब तरह तरह के जो है सब चपेरे के मेरे पास फोन आ रहे कि भाई किसी भी तरह कंप्रोमाइज करा दे। तो इसमें कंप्रोमाइज का क्या मामला आ गया जी, जो कानून है जो प्रावधान है एफआईआर का, एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बचाओ में आगे जी। विपिन यादव जो कि करावल नगर थाना में एसएचओ हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन बाद में ये बता रहे हैं जो प्रधान है, कह रहे हैं कि इन पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है, इनके परिवार वालों से मिला जा रहा है उमर के, और उनसे कहा जा रहा है कि कम से कम इसमें जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। अब 14 साल का नाबालिग बच्चा जिसका नाम उमर है और उसको शायद उसके उम्र होने की ही सज़ा दी गई है कि इतनी बेरहमी से पीटा गया है, जो बच्चा अपने बाप की दवाई लेने के लिए गया हो, जिस बच्चे के बाप के जो 3 ऑपरेशन हो गए हों, स्टंट डले हों, किडनी का ऑपरेशन हुआ है, पीछे विजुअल्स आपने देख लिए होंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो है सिनेरियो जो है ये इतनी आखिर इतनी नफरत का आलम और इतनी बुरी तरीके से पीटने के बाद फिर पुलिस कंप्रोमाइज़ के लिए कह रही है, और एसएचओ साहब या जो पूरा पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है और इसको कंप्रोमाइज़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये करावल नगर थाने में एक जगह पड़ती है शिव विहार, छोटा मोटा नाम नहीं है, 2020 के दिल्ली दंगों में काफ़ी नाम आपने शिव विहार का सुना होगा, भजनपुरा, चांदबाग, पूरे हिंदुस्तान में लगभग जो है ये शिव विहार का नाम गूंजा है। अब परिवार का जो कहना है, परिवार का ये कहना है कि हमको इंसाफ चाहिए, और इस बच्चे की हालत देख के लग भी रहा है कि अगर नाबालिग 14 साल के बच्चे को सिर्फ इतनी सी बात के लिए पीटा
बेटा जाता है कि वो अपने बाप की दवाई लेने जा रहा है, आप उसका क्या कानून है? पुलिस को किसने ये अधिकार दे दिया कि एक नाबालिग बच्चे को आप रस्सी से पैर बांध के पाइप से उसकी पिटाई कर दें, उससे चलना भारी हो जाए, उसके कोहनिये मारें, उसका आईफोन आप मोटरसाइकिल में तोड़ के आप पैसों की उससे डिमांड करें, और उसके बावजूद फिर इनडायरेक्टली आप इस मसले को जो है दबाने के लिए कोशिश करें और ये कहें कि इसमें कंप्रोमाइज करा दें। तो इस तरह के जो मामले हैं, मैं सिर्फ तमाम नाज़रीन से, जितने भी नाज़रीन हैं वो किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, उनसे यही कहूँगा कि ये परिवार जो है अपने बच्चे के लिए, तमाम लोगों के जिनके बच्चे होते हैं उनको तकलीफ का मालूम होता है, उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि इसके परिवार को, इस बच्चे के परिवार को जो ये पिटा है आज, इसको इसका जो है इंसाफ मिल सके। मिल्लत टाइम्स के लिए शिव विहार से मज़हर खान, कैमरा पर्सन शमीम के साथ। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।